सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूँ आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक नया विषय शामिल करते हैं, उसके संदर्भ में आपके पास कोई भी सवाल होते हैं वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमसे पूछते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कृषि यंत्रों के रखरखाव पर, हरी पत्तेदार सब्जियों की खेती पर भी हमारी चर्चा होगी। जी हाँ, विषय हमारा कृषि यंत्रों की उपलब्धता एवं रखरखाव भी है और इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम में। आपके पास कोई भी सवाल है आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं, टोल फ्री नंबर है 1800-1130-6601 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले एक घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राउफ अहमद परे जी, जो वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी विभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर राउफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अनूप कुमारी, बता दें ये वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र नागौर राजस्थान में। डॉक्टर कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी हमने आपको दे दी है कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब आपको बस अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करने हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, तभी तो हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉल कर रहे हैं अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी आवाज हम सुन नहीं पाते, जिसके चलते समस्या हम तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। तो ये अहम बात है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। इसी के साथ चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। कृषि यंत्रों की जब हम बात करने वाले हैं तो डॉक्टर राउफ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राउफ, आधुनिक दौर की हम बात करते हैं, खेती का परिवेश काफी बदल गया है, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल अब हमारे किसान करने लगे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे किसानों के लिए? अगर हम हरित क्रांति से लेकर आज तक की बात करें, जो कृषि अभियंत्री का रोल है कृषि में, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है हरित क्रांति से लेकर आज तक। और जब हम आज किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, तो उसमें जो इन अभियान का जो रोल है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि चाहे हम बात करें हमारी जो बचत की, चाहे हम बात करें जो हमारी थकान होती है बिना इनके ऑपरेशन के, या चाहे हम बात करें जो हमारा वक्त होता है किसी ऑपरेशन को करने में, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जी बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा हमें फायदे होते हैं, तो समय की बचत हो जाती है, साथ ही साथ जो मेहनत है उसमें भी थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि हमें साथ मिल जाता है हमारी मशीनों का, हमारे कृषि यंत्रों का। किस तरह से इनका रखरखाव हम कर सकते हैं, कहाँ उपलब्धता है, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ से हम विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए आपको दिखा देते हैं। खेती में मशीनों का इस्तेमाल समय की जरूरत है, फसलों में बुआई और रुपाई के खर्च को कम करने के लिए कृषि यंत्रों को अपनाना जरूरी है। साथ ही खेती में मशीनों का इस्तेमाल करके आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। अलग अलग फसलों के लिए बुआई यंत्रों में विभिन्नता रहती है, बीज आकार और बीज दर के हिसाब से मशीन का अनुकूल होना जरूरी होता है। ऐसे में विभिन्न फसलों के बीजों के आकार के अनुसार बुआई मशीनों को बनाया जाता है। इसमें फसल के अनुसार पंक्ति से पंक्ति की दूरी और बीज से बीज की दूरी रखते हुए उचित बीज मात्रा का प्रति हेक्टेयर वितरण किया जाता है। इस तरह मशीनें बीज और खाद को उचित गहराई पर डालकर बीज जमाव और उसको स्थापित करने में मददगार होती है। मशीनीकरण से सही बीज दर, उचित पंक्ति और बीज व पौध दूरी उचित गहराई में बीज और खाद पड़ने से फसल की पैदावार भी बढ़ती है। खेती में हैप्पी टर्बो सीड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मशीन की खूबी ये है कि इसको इस्तेमाल करने के समय 70% और पैसों में 60-70% तक की बचत होती है। ट्रैक्टर की बात करें तो ये खेती के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल की कटाई और ढुलाई के काम आसानी से हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेसर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल को जोड़कर खेती के काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खेती में मशीनों के इस्तेमाल से जहां उत्पादकता में 10-15% की बढ़ोतरी होती है,
वहीं आपके पैसों और समय की बचत होती है। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट जाना कि कृषि यंत्र जो है कितने लाभकारी साबित होते हैं खेती में। हमारे विशेषज्ञ से भी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर अनूप कुमारी का। डॉक्टर अनूप, हरी पत्तेदार सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो सेहत के लिहाज से तो काफी फायदेमंद मानी जाती है, कई तरह के पोषक तत्व इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन खेती के लिहाज से किस तरह से ये महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए? जी मैडम, जैसा कि अपन सभी को पता है कि सब्जियां अपने दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग है जी। ये अपने भोजन को स्वादिष्ट तो बनाती है, पर इसके साथ साथ इनमें मुख्य खनिज तत्व और कई विटामिन होते हैं जिनकी वजह से इनको एक संरक्षित भोजन की श्रेणी में रखा गया है सब्जियों को। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 300 ग्राम सब्जियों की जरूरत होती है, जिनमें से 100 ग्राम सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जियां ही होती है, क्योंकि इनमें जो विटामिन सी और खनिज तत्व होते हैं जैसे आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आजकल जो हमारे देश में एक कुपोषण जो गंभीर समस्या बनी हुई है, इस गंभीर समस्या को अपन सिर्फ हरी सब्जियों के उपयोग से ही दूर कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने पूछा तो अपन बहुत ही कम क्षेत्र पर में गृह वाटिका में भी सब्जियां लगा के बच्चों को और खासतौर से गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियां उपलब्ध करा के उनको कुपोषण से अपन दूर रख सकते हैं जी। और इस समय तो पोषण माह भी चल रहा है, और ऐसे में इसके बारे में जागरूकता तो हमारे किसानों के लिए, सभी आमजनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां। हमारे किसान खुले खेत पर भी खेती कर सकते हैं या फिर छोटी सी गृह वाटिका बना के भी इसकी खेती की जा सकती है, और अच्छा उत्पादन लेकर सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में काफी सकारात्मक आप बदलाव यहां पर देखेंगे, बेहतर ही होगा आपका स्वास्थ्य। और किस तरह से आप खेती कर सकते हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए ये समय एकदम सही है। पालक की बुआई और इसकी ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो अपने इलाके की जलवायु और भूमि के हिसाब से किस्मों का चयन करें। पालक के लिए आप ऑल ग्रीन, फूसा ज्योति, फूसा हरित, पालक नंबर 5116, वर्जीनिया सेवोए और अर्ली स्मूथ लीफ किस्में लगा सकते हैं। पालक की खेती के लिए उचित जल निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए अच्छी मात्रा में बीजों की जरूरत होती है। अच्छी पैदावार के लिए एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 किलो बीज काफी रहते हैं। पालक की खेती करते समय खेत में खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा दें और इनकी मात्रा को तय करने के लिए मिट्टी की जांच जरूर करा लें। अगर किसी कारण से मिट्टी की जांच समय पर ना हो सके तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद के साथ 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। अगर औषधीय गुणों से भरपूर मेथी बोना चाहती है तो इसके लिए जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। मेथी के लिए इसकी उन्नत किस्में पूसा अर्ली बंचिंग, मेथी कसूरी और हिसार सोनाली लगा सकते हैं। ये सभी किस्में 6 से 7 कटाई देती है। खेत तैयार करते समय 17 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी सड़ी हुई देसी खाद के साथ 2 से 7 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट और आधा बोरा यूरिया डालें। बुआई के बाद फसल की उचित देखभाल करते रहे। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट आईएस के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखिए आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। 1800-113-0060 और 1800-113-0061 स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, इन्हीं पर आपको कॉल करना है और अपने सवाल हमसे पूछने हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर राउत का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। आपने बताया कि कृषि यंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं हमारे किसानों के लिए। विभिन्न तरह के कृषि यंत्र यहाँ पर हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो बात ट्रैक्टर की ही आ जाती है। ट्रैक्टर ने किस तरह से बदलाव लाया है खेती में हमारे किसानों के लिए?
ट्रैक्टर की बात करते हैं, पहले हम देखते थे कि बैलों से खेती होती थी। आपको मैं ये बताना चाहूंगा महाराज की एक हेक्टेयर को बैलों से जोतने के लिए लगभग एक किसान को 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर चलना पड़ता था जी। लेकिन उसी के पैदल में अगर जब हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, जब से ट्रैक्टर ने खेती में अपना असरअंदाज किया, तब से हम देखते हैं कि टाइमली किसी चीज को कर देना या जो कैपेसिटी हम बोलते हैं कि एक घंटे में कितनी खेती हम कर सकते हैं उसको बढ़ावा देना, और बाकी जो खेती में पावर की जरूरत होती है, हम देखते हैं कि बैलों से कम थ्रेशर चलाना या एक बड़ी मशीन चलाना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर में हम डिफरेंट मशीन अटैच कर सकते हैं, पावर सोर्स यूज कर सकते हैं और टाइमली किसी भी चीज को कम्प्लीट कर सकते हैं खेती में। और जहाँ तक हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ट्रैक्टर जो है ये एक डिग्निटी देता है फार्मर को, जो उसको जब उसी ट्रैक्टर पे एक फार्मर चढ़ के स्टेयरिंग को पकड़ता है तो उसके लिए एक मर्सिडीज की तरह रहता है जी। तो ये इसका एक अपना सोशल इम्पैक्ट भी है जी। बिल्कुल, तो देखिए ट्रैक्टर ने काफी बदलाव लाया है खेती किसानी में भी, हमारी कृषि में भी और हमारे किसानों की जिंदगी में भी, तो ये काफी अच्छा बदलाव हम कह सकते हैं। और भी ज्यादा मशीनरी है, कृषि यंत्र है जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर भी रहे हैं, और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें जानकारी भी देंगे उन किसानों को जो अभी भी इनसे इनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। आज उनको बताएंगे कि कृषि यंत्र कितने ज्यादा जरूरी है, किस तरह से हमारे किसान इनको अपना करके अपनी खेती किसानी में बदलाव ला सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है रोटावेटर का कितना अनुदान मिलता है जी? रोटावेटर लेना चाहते हैं, कितना अनुदान इनको मिलेगा? राजस्थान दौसा से बात कर रहे हैं प्रहलाद जी। ओके प्रहलाद जी, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे रोटावेटर हो या डिफरेंट मशीनरीज हो, हमारे जो गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी है, आप इसकी जानकारी अगर पूरी देखना चाहेंगे हर एक इक्विपमेंट की, ना कि सिर्फ रोटावेटर की, हमारा जो मशीनरी सिस्टम का मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन है पूरी डिटेल उसमें। और अगर आप उससे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आपके नजदीकी केवीके है उस पर भी वो पूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है कि हर एक मशीन पे सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी है, कहाँ से अवेलेबल है, ये पूरी जानकारी आपको मिल सकती है, ना कि सिर्फ रोटावेटर की, जितने भी मशीन है जी। तो आप वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का भी आप रुख कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि आपको अलग अलग मशीनरीज पर यहाँ पर दी जा रही है आपकी आर्थिक सहायता के लिए। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर अनु कुमारी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। आपने बताया कि हमारे जो किसान है वो हरी पत्तेदार सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं क्योंकि अच्छी मांग रहती है इनकी। अभी का समय जो है अनुकूल चल रहा है पालक खेती के लिए, हमने रिपोर्ट में भी देखा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पालक के अलावा इस समय और कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं हमारे किसान? जी, पत्तेदार सब्जियों में अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में पालक, मिलायती पालक, मेथी, धनिया, बथुआ, सरसों साग ये लगा सकते हैं अपन जी। पालक की आप बात कर रहे हैं तो पालक को न केवल अपन सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं बल्कि इसको गर्मियों में भी अपन छाया वाले एरिया में या संरक्षित कोई संरचना बना के उसके नीचे भी इसकी खेती कर सकते हैं। पालक का सबसे अच्छा एक और है कि जैसे अपन बताते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियों के लिए पीएच 6.5 से 7.5 होनी चाहिए, लेकिन पालक की खेती 7 से लेकर 8.5 वाली पीएच वाली मृदा में भी आसानी से कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए तमाम तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो हमारे किसान भाई इस समय लगा सकते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में जो आने वाला है आगे उसमें इन सब्जियों की खेती की जाती है। पालक की खेती आप साल भर कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत होती है। कुछ इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि लौकी में फल नहीं लगाया, अरे उसमें पत्तियां भी नहीं देता है। आपने लौकी लगाई है और उसमें फल नहीं लग रहा है जी। डॉक्टर अनूप कुमारी, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? हमारी पत्तेदार सब्जी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लौकी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के?
जी लोकिन में थोड़ा सा पोषण तकनीकी प्रबंधन के साथ इसमें परागण का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, तो परागण के लिए इसके लिए नर फूलों को तोड़ के मादा फूलों को शाम के समय थोड़ा सा उनके ऊपर टेंथस का थोड़ा सा छिड़काव करना होता है क्योंकि इसमें जो मादा फूल है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से उन्हें फ्रूटिंग नहीं होती है। दूसरा है कि इसमें जब तीन पत्तों वाली स्टेज हो बेल में उस समय इसके ऊपर जिबेरेलिक एसिड का हार्मोन का स्प्रे करना का उचित रहता है। जी तो लौकी में अगर फल नहीं लग रहा है तो आप ये प्रक्रिया यहाँ पर अपना सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आगे पहुँचाएंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं में जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रखिए दूरदर्शन के साथ। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। गाय फूलों से भी पीछा कर मैं फिर जैविक खेती का पूरा सामान मांगूंगी, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर काम करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए किसी एक भी डेली नहीं करनी पड़ी। उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की योजना वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई और सहजता से ऋण पाए। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोरम कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा हमारी जारी है कृषि यंत्रों की उपलब्धता और रख रखाव पर, साथ ही हम बात कर रहे हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में जल्दी से आप अपना फोन उठा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसे आप पर कॉल कनेक्ट होगा, सवाल सुनने के बाद हमारे विशेषज्ञ उनका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम हमारी चर्चा को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राव, आपने बताया यहां पर कि हमारे जो किसान है कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके काफी फायदा ले सकते हैं, सरकार की तरफ से कुछ अनुदान राशि भी यहाँ पर हमारे किसानों को दी जाती है। ट्रैक्टर की हमने यहाँ पर बात कर ली क्योंकि वो आम किसान जानते हैं उसके बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम तरह के यहाँ पर मशीनरी होती है जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर है, जीरो टिल मशीन है, इनकी उपलब्धता कैसे हो सकती है, कहाँ हमारे किसान इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? पहले तो जहाँ तक हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं, हमारे सरकार की ओर से प्रोग्राम चल रहा है मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसके तहत चाहे मशीन खरीदने का या चाहे कस्टमाइज सेंटर डेवलप करने का, जिसके तहत किसान अपने खेत पर भी उस मशीन को इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों को इस्तेमाल में भी देके अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकता है, इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। और रही बात जो ये यंत्र है ये कहाँ पे अवेलेबल है, इन सब की जानकारी अगर आप देखेंगे एग्रो इनोवेट एक आइडिया है जो रिसर्च आउटपुट आता है, जो भी किसी संस्थान से मशीन बनती है उसको कमर्शलाइजेशन स्टेज तक लेने के लिए एग्रो इनोवेट है, तो उनकी साइट पे जाके सारी मशीनरी कैसे वर्क करती है, किस पर्पज के लिए क्या इससे फायदा है, सारी जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे कि हर एक जिले में हमारा जो पीवी के है कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनसे जुड़ के भी ये हमारी इंफॉर्मेशन जो हमको भी जानकारी चाहिए वो हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ में जैसे हम बात करेंगे संस्थानों की, चाहे पूसा संस्थान है या कोई और भी किसी भी स्टेट में जो संस्थान है, उनका एक अलग उसका विभाग है जो किसानों की जानकारी के लिए ही रहता है, चाहे वो उसको एक्सटेंशन बोले या किसान कॉल सेंटर बोले, तो वहाँ पे भी हमारा देश डिजिटल यहाँ पर हो रहा है। घर बैठे बैठे ही आप वेबसाइट पर जाकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं मशीनों के संदर्भ में। कॉलर मास्टर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं वल्लभ जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए फिर अपना सवाल पूछिए हमसे। जी हमें मेरा सवाल ये है जी कि जो सूरजमुखी बोने के लिए कौन सी मशीन का यूज कर सकते हैं?
सूरजमुखी की बुआई आपको करनी है, उसके लिए आप कृषि यंत्र के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर राउत क्या कहना चाहेंगे, बुआई के लिए किस तरह का यंत्र ये उपयोग में ला सकते हैं? ये जो इसके लिए हम नॉर्मल जो हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यूज करते हैं उसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो इसका बीज है इसका साइज देख के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं केवल इसी के लिए। नॉर्मली जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है जो हम यूज करते हैं चाहे गेहूं के लिए या कोई उस जैसे बीज के लिए, लेकिन जो आपका बीज का साइज है उसके हिसाब से जो उसका मेटिंग है उसको चेंज करके सेम को यूज कर सकते हैं, उसी यंत्र को यूज कर सकते हैं सीड कम फर्टिलाइजर। तो जैसे हमारे किसान भाई ने पूछा कि बुआई के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर हम कह सकते हैं खेती के हर कदम के लिए अलग अलग यंत्र यहाँ पर उपलब्ध है। तो शुरुआत हम खेत की तैयारी से ही कर रहे हैं, किस तरह के यंत्रों का इस्तेमाल करें जब हमारे किसान खेत की तैयारी कर रहे हैं? तो जैसे हम खेत की तैयारी की बात करते हैं उसमें जो हम बोलते हैं कि हम उसके लिए प्लो का यूज करते हैं, चाहे एमबी प्लो है चाहे डिस्क प्लो है, उसके बाद और भी उसको सही तरीके से उसमें सही से नमी रहे उसके लिए हम उसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं, या चाहे हम उसमें जो बात करते हैं लेजर लेवलर की दो तीन साल बाद, ताकि जो हमारी लेवल है और जब भी बीज गिरे वो एक प्रॉपर डेप्थ पे गिरे, ताकि जो जिससे वो पौध निकल के आए वो सही से निकल के आए। तो जो हम यंत्र की बात करते हैं पहले हम उसके लिए डिस्प्लो डिसिफेरो कल्टीवेटर भी यूज करते हैं कुछ एरियाज में, जैसे पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी जो देसी प्लो है वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम बुआई की ओर जा सकते हैं। जी, तो खेत की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। आपको किस तरह के कृषि यंत्र यहाँ पर इस्तेमाल करने हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अन्य प्रक्रिया के लिए किस तरह के यंत्र इस्तेमाल में ला सकते हैं आप जानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर अनूप कुमारी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अनूप कुमारी, पालक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसकी किस्मों के बारे में आप जानकारी दे दें, फिर अन्य हमारी पत्तेदार सब्जियों पर यहाँ पर रुख करेंगे। खेती किस्में अनुसंधान संस्थानों से विकसित की गई है, जैसे पालक के लिए ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती, डोवनियर ग्रीन, ये सभी बहुत ही अच्छी किस्म है जिनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और इनसे कम से कम 150 से लेकर 300 टन तक प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, पालक के बाद मेथी और सरसों साग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी कौन सी किस्में रहती हैं सही, हमारे किसान किस तरह से चुनाव कर सकते हैं? जी, तो पालक के साथ साथ एक विलायती पालक होता है जिसकी पत्तियां थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होती है, जिसके लिए वर्जीनिया स्वाय और अर्लीश स्मूथ लीफ इसकी अच्छी किस्म है। सरसों की बात करें तो पूसा साग में बहुत अच्छी किस्म है, और मेथी में पूसा कसूरी मेथी, पूसा अली बंसिंग, RMT1, RMT305, पूसा सोनाली, ये बहुत अच्छी अच्छी किस्में है इसके। इसके साथ ही सब्जी बनाने में यदि बथुआ लगाना चाहे तो बथुआ की पूसा ग्रीन, पूसा बथुआ 1, काशी बथुआ 2, धनिया की हिसार सुगंध, हिसार आनंद, हिसार सुरभी, इस तरह से अच्छी किस्में विकसित की गई है। जी, तो ये तमाम किस्में हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की जिनका आप चयन कर सकते हैं इनकी खेती करने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं फिर विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी लेंगे। प्रहलाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? फूल गोभी के बारे में पूछना है, अच्छी पैदावार लेने में कौन सा कौन सी दवाई और पैदावार। फूल गोभी के बारे में आप जानना चाहते हैं किस तरह से आप उर्वरकों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? जी डॉक्टर अनूप कुमार, यहाँ पर फूल गोभी के संदर्भ में सवाल आया है, किस तरह से अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, उर्वरक प्रबंधन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, फूल गोभी यदि किसान लगाना चाहते हैं तो फूल गोभी के अपने तीन अलग अलग समय होते हैं, जैसे अर्ली लेनी हो, अगेती लेनी हो तो उसकी मई अगस्त में पौ तैयार करनी होती है, उसके लिए पूसा मेघना, पूसा केतकी, अर्ली सिंथेटिक ये अच्छी किस्म है। उसके बाद आती है कि सही सीजन वाली, जैसे अभी सितंबर अक्टूबर है, सर्दियों में जो किस्म जिसकी पौ तैयार की जाती है तो उसको मिड अर्ली भी कहते हैं, और इसका अभी पौ तैयार करने का उचित समय है, इसके लिए पूसा शरद और पंत सुबरा ये अच्छी किस्म है। और यदि लेट लगाना चाहता है किसान भाई, जो इसकी दिसंबर जनवरी में पौ तैयार करनी है, तो उसके लिए पूसा कोशिदा
और ये अच्छी किस्म है। खाद और उर्वरक की बात करें तो अपने खेत जो जिसमें सबसे पहले किसान भाई को अपनी मिट्टी की अच्छे से जांच करवा लेनी चाहिए। मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का चयन करना चाहिए। यदि मिट्टी अच्छी ज्वांश वाली है, उर्वरक शक्ति वाली है, तो उसमें 100-50 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश लेनी होती है, जिसमें लगभग 20-25 टन अच्छी शरीर गोबर की खाद खेत में जरूर डालनी है। इसके अलावा नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में डालनी है, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2-3 अच्छे हिस्सों में बांट के और फिर टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे तो ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो किस तरह से आपको अच्छी पैदावार यहाँ पर मिल सकती है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है दिलीप जी ने। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा एक सवाल है कि मेथी खेती करते मेथी मरती क्यों है? जब आप अगेती मेथी लगाते हैं तो वो मर जाती है, उसकी बढ़वार नहीं होती है। डॉक्टर अनुप कुमार क्या कहना चाहेंगे? जी, मेथी के लिए थोड़ा सा ठंडे जलवायु वाली फसल है, तो इसकी अपन 15 अक्टूबर से पहले इसकी बुवाई करते हैं तो इसकी अपनी अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं। 15 अक्टूबर के बाद यदि अपन बुवाई करें तो ही इसकी अच्छी उपज ले पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाती है, तो इसका अंकुरण भी कम होता है और फिर गर्म जलवायु की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आप इसकी टाइम की सोविंग करें 15 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक इसकी सोविंग रखें। जी, तो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय सही रहता है मेथी की बुआई के लिए, क्योंकि ये ठंडी जलवायु में रह सकती है। अगर गर्म माहौल है, गर्म जलवायु है, तो उसमें इसकी बर्बाद नहीं होती है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। सही समय पर बुआई करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना बुआई के पश्चात प्रबंधन करना। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राव, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी कि आपने बताया कि बहुत सारी मशीनरीज उपलब्ध है हमारे किसानों के लिए, हमारे किसान जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो मूल्य होता है बहुत अधिक होता है, जिसके चलते हमारे कुछ किसान पीछे हट जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा मूल्य की है, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में क्या सलाह रहती है आपकी हमारे किसानों के लिए? देखिए, जब हम किसानों की बात करते हैं, हमारे देश में जो किसान है अधिकतर जो है छोटे किसान जी, तो उसमें क्या रहता है, हमारा जोर रहता है कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो एक से ज्यादा काम करे जी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे पहले जमीन को तैयार करने का, उसके बाद बुआई करने का, उसके बाद कटाई का, तो हर एक के लिए अलग अलग मशीन रखना और उसको इस्तेमाल करना किसी भी किसान के लिए फायदेमंद नहीं जी। तो इसलिए हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हम ऐसी मशीन लाएं हम अपने किसानों के लिए कि जिससे हम एक से अधिक आत्मोत्पादन कर सकते हैं, चाहे बुआई करें। ऐसे हमने जैसे आप पूछा में हम देखेंगे, हमने एक इंटीग्रल पावर इक्विपमेंट बनाया है जो एक छोटे ट्रैक्टर की तरह काम करता है, और उससे हम बुआई भी कर सकते हैं, उससे हम जमीन को जोत भी सकते हैं, और उससे अब हम कटाई करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें का हिस्सा। और दूसरी बात जो है, जिन टेक्नोलॉजी की जो भी यंत्र है जिनका कीमत ज्यादा है, सरकार भी उसमें चाहती है कि उसमें कुछ सब्सिडी रहे। तो आप देखेंगे कि सरकार की ओर से प्रोग्राम जो चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कि जो किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंचे, वो उसमें कुछ कमी होके वो उसका इस्तेमाल, उसका लाभ उठाए। आप चाहे नॉर्मल जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या अभी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की, उसके लिए अलग से कुछ यंत्र है, उस पर भी सरकार ने अलग से सब्सिडी का रखा है जी, अलग से यहाँ पर अनुदान का प्रबंध किया हुआ है। देखिए, एक ऐसी मशीनरी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं जो अनेक कार्य यहाँ पर कर सकती है। कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इससे हमारे किसानों को किस तरह की मदद मिल रही है? जो कस्टम हायरिंग का है, ये कस्टम हायरिंग का जो हम देखते हैं कि एक किसान अगर कोई टेक्नोलॉजी खरीदता है, कोई यंत्र खरीदता है अपने खेत पे इस्तेमाल करके, अगर हम उसका देखेंगे कि उसकी जो फायदा है सही से नहीं बैठता है, कि वो एक यंत्र खरीदता है एक साल में कितने एरिया में वो इस्तेमाल करता है जी, वो जरूरी है। तो जो कस्टम हायरिंग का जो कंसेप्ट है, ये इसलिए है कि हम एक ऐसी
सेंटर रखे हैं जहाँ पे मशीनरी रखे हैं उसमें बहुत सारे किसान इस्तेमाल करें, तो उससे इस्तेमाल करने से क्या होता है कि मैक्सिमम एरिया में मैक्सिमम जो किसानों का खेत है उसमें जब वो यंत्र यूज होता है तो हम मानते हैं कि जो इसका फायदा है या जो उसके खरीदने का सिस्टम है वो सही से हम जस्टिफाई कर पाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अहम बात है, यहाँ पर सिर्फ अपने इस्तेमाल तक ही नहीं बल्कि अन्य किसानों के इस्तेमाल के लिए भी आप मशीनों को उपलब्ध करवा सकते हैं, न केवल आपका फायदा होगा बल्कि अन्य किसानों का भी होगा, और अगर उनको आप मशीन भी देते हैं तो उससे आप आय भी अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं, दोगुनी आय हो सकती है आपकी, इस बारे में जरूर आप सोचेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है सवालों के जवाब देने के लिए, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, हमारे विशेषज्ञ से उनका जवाब भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से दिल मौजूद है फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जिंदराज सिंह बोल रहा था जी, मैंने गाजर की जानकारी लेनी है। गाजर के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? बोनी है जी, मैंने कैसे बोनी है, कितना बीज लगेगा, कितना आपका एरिया है, कितना बड़ा है खेत आपका? एक एकड़ है जी। एक एकड़ है, गाजर की खेती करना चाहते हैं डॉक्टर अनूप कुमार? खेती करना चाहते हैं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, टाइम है या नहीं है ये पूछना जी। जी डॉक्टर अनूप कुमार, क्या अभी गाजर लगा सकते हैं हमारे किसान भाई? जी गाजर का ये अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, अभी किसान भाई अपने खेत की अच्छी तरह से दो तीन अच्छी से जुताई करके और खेत को तैयार कर ले, खेत की जुताई के समय उसमें गोबर का खाद अच्छा सड़ा गला लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर जरूर डालें अंतिम जुताई के समय, उसके बाद उसमें खेत पे आटा लगाएं, और यदि रेज बेड बना लेते हैं उठी हुई थोड़ी क्यारियाँ या जिनको बेड बोलते हैं, यदि बेड पे किसान भाई गाजर लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी उपज पाएंगे। जी बीज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी होता है, और इसके लिए पूसा रुदिया, पूसा मैदानी, पूसा केसर ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिनका अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जी तो दिलवा जी, आप अभी बेशक कर सकते हैं इसकी खेती, आप खेत की तैयारियां कर लीजिए, कितना बीज लगेगा, कौन सी आप इसमें चुन सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ कार्यक्रम में बात तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोरम कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहे, नाक मुंह को मास्क गमछे या कपड़े से ढकते रखें, आंख कान नाक मुंह नच आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें, एक दूसरे के साथ औजारों की अदलाबदली न करें, श्रमिकों की शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है, बुआई कटाई एवं मनाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं, कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें, मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें, वाहनों बोरियों थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें, खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच, खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से दें, गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े, कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, देश में खाद्य सुरक्षा के लिए सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं, किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, किसान सफल।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान का लाइव फोन इन कार्यक्रम में किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्रों के बारे में, इनकी उपलब्धता और रखरखाव पर अब हम बात करेंगे और साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में लगातार जानकारी हम आपको पहुंचा ही रहे हैं। बता दें कोई भी सवाल है आपके मन में, बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारे विशेषज्ञ आपको आपके जो भी सवाल है उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो रखरखाव का मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है ऐसे में और भी ज्यादा सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है, तो यंत्रों के रखरखाव के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे किसानों को? जहाँ तक यंत्र के रखरखाव की बात है, ना ही सिर्फ कोरोना बल्कि जो अभी मौसम है बारिश का मौसम है जी। हमारे किसान भाई जो अभी कोई धान लगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, अब कुछ टाइम के लिए वो इस मशीन को अपने घर के आसपास खड़ा करके रख देते हैं, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब इसको हम खड़ा करें तो इसकी जो लाइफ है, चाहे 10 साल है 15 साल है, इसका भी चलना है 10 साल या 15 साल वो चले, लेकिन उसमें जो कमी होती है वो इसी मौसम में होती है, बारिश के मौसम में। क्योंकि अगर आपने कोई ट्रैक्टर या कोई मशीन बाहर खड़ी कर दी तो इसमें जंग लगने का या ट्रैक्टर में बैटरी सिस्टम है या इंजन है उसके खराब होने का ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसमें जो हम रखरखाव की बात करते हैं, अगर किसान भाई ट्रैक्टर को अपने घर के आसपास खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एक शेड बना दें। अगर वो उस शेड को नहीं बना सकते तो कम से कम उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कवर ही रख सकते हैं ताकि जो बारिश है बारिश का पानी उसके अंदर ना चला जाए। और जब हम बात करेंगे उसके रखने की, उसके नीचे से छोटा सा जो तकती है लकड़ी का उसको रख दें, क्योंकि जो टायर का जो लोड है वो उस पे जो लोड आता है उसको कम करना पड़ेगा, या वो जो टायर में प्रेशर है उसको भी कम करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी हवा भी निकाल सकते हैं ताकि कुछ टाइम के बाद जब हम इस ट्रैक्टर को यूज करें ये सही से चले। इसी तरह जब हम बैटरी की बात करें तो जो उसमें टर्मिनल्स होते हैं तो उनको भी हमको कुछ वैक्स लगाना पड़ेगा, उसको भी कुछ जेल लगाना पड़ेगा ताकि जो उसके अंदर वो एसिड है उससे उसका वो टर्मिनल खराब ना हो जाए। इसी तरह जहाँ मशीन की बात करें, कोई भी यंत्र है उसको आप घर के पास खड़े कर देते हैं तो उसमें भी कवर होना जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि जो उसके फाले हैं या उसका जो ब्लेड है वो जमीन के ऊपर सतह से ऊपर है, उसके नीचे कोई ईंट रख सकता है, कोई पत्ता रख सकता है, लेकिन मकसद यही है कि जो जमीन से टच ना करे, क्योंकि जमीन से टच के साथ ही वो खराब होना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर से उस पर रस्ट लग जाता है। तो दूसरी बात है कि अगर रस्ट से बचाना है उसके लिए भी हमको जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, या चाहे किसान को कोई पेंट भी लगा सकते हैं जी। इसी तरह जरूरी है कि जो हमने अभी जैसे खेत में ट्रैक्टर को यूज किया, मशीन को यूज किया, उसको घर के सामने खड़ा करने से पहले जरूरी है कि हम उसको साफ करें। अगर ट्रैक्टर है उसमें मिट्टी लगी है पूरी, कुछ कीचड़ अंदर चली जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसको सही से साफ सफाई का ध्यान रखें और साफ सफाई के बाद ही हम उसको खड़ा करें। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह जैसे हम ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर में जो धुआं निकलने का जो जरिया होता है उसको भी हमको कवर करना पड़ेगा जी। या इंजन में जो ब्रीदर रहता है जहाँ से हवा जाने का है तो उसको भी हम बंद करके ही रखें। दूसरी तरफ जो मशीन है या कंबाइन है जिसमें बेल्ट लगते हैं तो हमको बेल्ट को उतार कर रखना पड़ेगा इस दौरान में। और रही बात कोविड के समय में, हम जानते हैं कि मशीन का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए जो कोविड के टाइम में है मशीनों को ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए परमिट कर दिया जी। जब लोग अंदर बैठे थे तब उस टाइम में कि हमारे किसान भाई मशीन को एक जगह से आसानी से ले जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमको किसान भाइयों का हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम उनको बताना चाहेंगे कि जब भी वो मशीन को यूज करें, अगर वो दूसरे के साथ बदलाव करते हैं तो उसके लिए हाथ धोना साबुन से या स्टीयरिंग पे सैनिटाइजर लगाना, घर आके जब भी खाने के लिए बैठ रहे उस टाइम साफ करना, इन चीजों का
ध्यान रखना जरूरी है। जी तो कोरोना ही नहीं बल्कि इस बारिश के मौसम में भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मशीनों को सही तरह से रखें, उनका रखरखाव बहुत जरूरी है। अलग अलग मशीनों का रखरखाव किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही विस्तार से आपको बता दिया है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी मशीनों को अच्छे से रखेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि उनकी जो अवधि होती है कार्य करने की 10 से 15 साल वो पूरी रहेगी। अगर आप सही तरह से उनको नहीं रखेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी, जल्द ही वो खराब हो जाएंगी। सही रखना है मशीनों को तो जरूर आप ये सावधानियां बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर फिर से रुक करना चाहूंगे डॉक्टर अनूप कुमारी का। डॉक्टर अनूप कुमारी, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं विभिन्न तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, तो तैयारियां करते समय किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है और बुआई का तरीका क्या रहता है इनका? जी बुआई से पहले सबसे जरूरी है कि किसान भाई अपनी मृदा की जांच जरूर करवा लें। जी क्योंकि पत्तेदार सब्जियों के लिए 6.5 से लेकर 7.5 पीएच वाली मृदा ज्यादा अनुकूल रहती है। यदि मृदा अनुकूल है तो किसान भाई पत्तेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं और खेत की तैयारी के समय खेत में अच्छी तरह से 2 से 3 बार देसी हली या प्लाव चला लें, जिससे तो जो हरी पत्तेदार सब्जी है उनकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, तो हल को ज्यादा गहराई तक चलाने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अच्छी तरह से यदि अपन खेत को थोड़ी सा हल चला के भुरभुरा कर लेंगे मिट्टी को, तो सब्जियों की थोड़ी सी जड़ों का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। माफ कीजिएगा डॉक्टर अनूप कुमारी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है आपसे जानने के लिए, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ महिपाल जी मध्य प्रदेश से फोन आए हैं। हेलो 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 महिपाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे, आपका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर अनूप कुमारी बताएं, आप क्या जानकारी दे रहे थे, किस तरह की प्रक्रिया अपनाए हमारे किसान? जी खेत की तैयारी के बाद खेत में जब खेत की अच्छी तरह से लेवलिंग कर लेनी चाहिए और लेवलिंग करके जब बीज की बुआई करनी होती है तो बुआई करते समय यदि लाइनिंग में करे बुआई तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों की अपने बार बार उनको कटाई करनी है तो कटाई करने के लिए लाइन के बीच से करके आराम से वो कटाई कर सकते हैं, साथ ही उसकी निराई और गुड़ाई भी आराम से कर सकते हैं। बुआई करते समय 2 पंक्तियों के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का गैप रखें और एक पंक्ति में जो बीज डाल रहे हैं उनमें 4 से 5 सेंटीमीटर का गैप रखें। बीज क्योंकि ज्यादातर पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनके बीज बहुत छोटे होते हैं तो उनको ज्यादा बहुत ज्यादा गहराई में नहीं डालने हैं। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि पत्तेदार सब्जियों के अपन को बार बार कटिंग करनी होती है, इनकी बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद ये कटाई करने के लायक हो जाती है और इनकी लाइफ साइकिल में इनकी 6 से 7 कटाई होती है, तो कटाई करने के लिए बार बार करने के लिए इनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। जो खेत की तैयारी के समय जो गोबरी खाद डाल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ ही लगभग 100 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की जरूरत होती है। जी फास्फोरस पोटास और नाइट्रोजन की जो 100 किलो है उसमें से अभी 2 जो लगभग 50 किलो है वो खेत के तैयारी के समय डाल सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की बाकी जो बची हुई डोज है उसको 3-4 बराबर भागों में बांट के जब भी पत्तेदार सब्जियों की कटाई कर रहे हो तो हर कटाई के बाद उसकी टॉप ड्रेसिंग में नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं तो उन पत्तेदार सब्जियों की ग्रोथ जल्दी होगी और उनका अपन जल्दी जल्दी काट सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आपको प्रबंधन यहाँ पर करना है, खेत की तैयारी बुआई और कटाई के समय भी आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का बहुत ध्यान रखना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो मैडम, नमस्कार अमोल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाहते हैं आप? उसके बारे में जानना चाहना चाहते हैं। आप उसकी खेती करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। जी तो डॉक्टर अनूप कुमारी, पत्ता गोभी लगाना चाहते हैं हमारे किसान भाई महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? जी यदि पत्ता गोभी की यदि वो अगस्त में फसल लेना चाहे तो सितम्बर के महीने में पोत तैयार कर सकते थे,
तो यदि सितंबर में उन्होंने पोह तैयार नहीं किए तो अभी भी पोह तैयार कर सकते हैं जी। पोह तैयार करने के लिए इसके लिए लगभग 300 से 500 ग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर के लिए जरूरत होती है। और यदि पौध को तैयार करते समय थोड़ा सा बेड को ऊपर बना लें क्योंकि बारिश का मौसम है और इस बार कई बार बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से बीज इसमें डैम्पिंग और बीमारी जो भी पौध है सब्जियों की उनमें ज्यादा हो रही है, तो रेज बेड बना के उनके ऊपर बीज से पौध तैयार करें। और यदि किस्म की आप जानकारी जानना चाहो तो इसके लिए गोल्डन एक्सेल और प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा मुक्ता ये अच्छी किस्म है जो अच्छा उत्पादन देती है जी। तो पत्ता गोभी आप लगा सकते हैं, इसकी पौधा तैयार कर सकते हैं, समय है अभी, आप अच्छी किस्म का चयन करें। हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। इसके साथ हम डॉक्टर राउफ का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर राउफ, हमारे खेती किसानी की बात करें तो महिलाएं भी उतनी ही इसमें शामिल रहती हैं जितने हमारे पुरुष रहते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर है या हैप्पी सीडर है, हमारे किसान भाई तो इनको उपयोग में ला सकते हैं लेकिन महिलाएं कम इनका इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में हमारी महिलाओं के लिए कृषि यंत्रों पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक महिलाओं की बात है, उनका कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर देना अभी पूरा जोर इसी पे है कि अभी हमारी महिलाएं ज्यादा कृषि में आ रही है, तो हम यंत्र को भी उसी हिसाब से डिजाइन करें ताकि एक महिला या पुरुष दोनों उसको इस्तेमाल कर पाए, चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों उसको इस्तेमाल कर पाए। हमारे आईसीआर में एक अलग से संस्थान है सिर्फ इसलिए कि महिलाओं का जो एग्रीकल्चर में रोल है उसको सही से यूज में लाया जाए, उसके वुमेन इन एग्रीकल्चर ही उसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जो हमारा है आईसीआर का। तो इसमें जो हम यंत्र का डिजाइन है हम इसीलिए जो अलग से एर्गोनॉमिक्स हम उसकी स्टडी करते हैं, हम जांच करते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं किस तरह उनका जो हाथों का जो ग्रिप पावर है या जो मेल है उसमें कैसे वेरिएशन है, उसी हिसाब से हम डिजाइन को मॉडिफाई करें ताकि जो हमारा डिजाइन है दोनों के लिए सही रहे। तो इसके लिए हम इवन की जो ट्रैक्टर की बात करें, बात कर रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर जो है जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल जिसको हम आम भाषा में बोलते इस्तेमाल करें, तो उसमें जो डिफरेंट कंट्रोल्स है वो कहाँ पर रहे ताकि महिलाएं भी उसको इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जो मेल पर्सन है वो भी सही से इस्तेमाल। महिलाएं हमारी खेती में काफी अग्रसर है बल्कि पुरुषों से ज्यादा भागीदारी हमारी महिलाओं की है, ऐसे में देखिए इस दिशा में भी कार्य हो रहे हैं और कई यंत्र उपलब्ध भी हैं हमारी महिलाओं की सहूलियत के लिए ताकि हमारी महिलाएं अब मशीनों का इस्तेमाल करके अपने कार्य को और भी ज्यादा आसान बना सके। ऐसी जानकारियां और आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मैं जाइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम किसान है, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे तू भी ले पर खाएगा कैसे? खेती की बात कर रहा है, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गाँव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजेस ऑर्गेनिक की सरकारी मुहर के साथ देरी ऊपर आकर्षक बैंक में पहुँचेगी बड़े बाजार। अच्छा सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने ओ किसान भाई समझ गए, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी स्वतंत्र किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म है। हाँ तभी मैं सोचूं
कि आज तो मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्या को अपनी भाषा में तुरंत निपटाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान का चैनल। स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्रों और हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में। कोई भी सवाल है जल्दी से अब अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे डॉक्टर राउफ का। डॉक्टर राउफ, महिलाओं के बारे में तो आपने बता दिया कि कृषि यंत्र यहाँ पर है भी और भी यहाँ पर कार्य हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये सब भारी मशीनें जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, काफी मुश्किल आएंगी, तो उस क्षेत्र के लिए अलग से यहाँ पर यंत्र है। बिल्कुल, जो यंत्र हम पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ही एरिया, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर है चाहे हमारे हिमाचल है या हमारा उत्तराखंड है, उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे हम उसको ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या जो हमारा वहाँ के खेत का साइज है उसमें इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है क्योंकि आमतौर पर सीढ़ीनुमा खेती वहाँ पर होती है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ध्यान देते हैं कि ऐसे एरिया अलग से जिसको हम हिल एग्रीकल्चर बोलते हैं, हिल एग्रीकल्चर के अलग से यंत्र हम तैयार करें, तो उसके लिए हम छोटे यंत्र जिनका वजन भी छोटा हो और जिनका जो पावर है वो भी हम इजीली उनको पावर कर पाए, यानी ट्रैक्टर के पावर की ज्यादा जरूरत ना पड़े उनके लिए, चाहे पावर टिलर है या उसमें राइड करके हम उसको आगे चला सके उसके दाम देते हैं। तो उसके लिए जो वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे अगर आप उत्तराखंड की बात करें हमारे पास अल्मोड़ा में एक संस्थान है, अगर हम बात करेंगे हिमाचल में वहाँ पे भी हमारा संस्थान है, तो वहाँ उधर की क्या जरूरत है उसके लिए क्या काम होना है उसके भी हम ध्यान देते हैं। और ये जो छोटे छोटे मशीन है आज तक पूरा जोर ही देते हैं क्योंकि हमारे जो खेत है वो साइज में छोटे होते जा रहे हैं, बड़ी मशीन का उसमें इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में छोटे यंत्र यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान आसानी से उनका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों को हो मैदानी क्षेत्रों को हो, हमारी महिलाएं हैं हमारे पुरुष हैं, सभी के लिए यहाँ पर तमाम तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, बस अब आपको चुनाव करना है, इनकी ओर बढ़ना है। झारखंड से सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनका सवाल हम जान लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, वो बैठे कि जो कोबी अभी लगाएंगे तो मिट्टी पतली है और कौन सा किस्म का लगाएंगे जो अच्छी पैदावार हो? कौन सी गोभी लगाना चाहते हैं आप, पत्ता गोभी या फूल गोभी? फूल गोभी। फूल गोभी आप लगाना चाहते हैं जी, तो डॉक्टर अनुप कुमारी क्या कहना चाहेंगे, पथरीली जमीन है ऐसे में फूल गोभी लगा सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सी किस्म लें? झारखंड से बात कर रहे हैं आप, झारखंड से बात कर रहे हैं, तो एक बार पहले आप पहले अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे आपकी मिट्टी की जाँच जरूर करवा लें कि आपकी जो मिट्टी है वो गोभी के सूटेबल है कि नहीं है जी। वैसे सितंबर अक्टूबर में अभी गोभी की खेती आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर आप कृषि विज्ञान केंद्र से नजदीक में जो भी है संपर्क करें और मिट्टी जांच करवाएं और वहाँ की जो रिकमेंडेड जो किस्में हैं आप उसका चयन कर सकते हैं जी। तो सुरेश जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, सुझाव है कि आप नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर पहले मिट्टी की जांच करवा लें कि उपयुक्त है कि नहीं, ऐसे यहाँ से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जांच के बाद वो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर अनुप कुमारी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारियां हमारे किसानों के सवालों के जवाब उन तक पहुँचाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राउफ मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि कृषि यंत्रों की उपलब्धता कहाँ है और किस तरह से आप रखरखाव कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी है, क्या किस्में हैं, किस तरह से आप लगा सकते हैं, ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। हमारे कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आइए आपको बता देते हैं, कल के कार्यक्रम में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बता दें आपको पशुओं में टीकाकरण के बारे में, पशुओं में टीकाकरण एवं रखरखाव पर चर्चा होगी और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे दुधारू गाय व भैंस की देखभाल के बारे में, इन दोनों ही विषयों पर कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में पहले ही हम तक पहुंचाइए, मेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, फेसबुक पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर जाइए हमारे पेज पर आप पहुंचिए, हिंदी में टाइप करना है आपको हेलो किसान, वहां पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। दीदी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है
3006 जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपना सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम किसी भी समय आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हैं। बता दें आपको टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, अपने मोबाइल से आप इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप किसी भी समय हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं, कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल मोती के दाने पैदा कर, हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की जय। क्यों मारते हो बेटियाँ जब पूजते हो गंजती, तुम्हें माली जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया बेटी की। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा, कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा। मिर्ची खा गया भैया, दो बीवियों के चक्कर।
छुरी है, दूजी में ना लाल छड़ी है, एक आगे एक पीछे आफत सर पे ओन पड़ी है, दो तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया, दो बीवियों के चक्कर में मिट्टू मियां आ गए भैया, अरे तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में